So guys, today we will be talking to Sajid Khan and Wajid Khan. The brothers have been doing a great job in the industry. We all know it. We love their compositions. Hindu Muslim bhai bhai, kya bolte Hindu bhai? Hindu Muslim bhai bhai, kya bolte neta bhai? Hindu Muslim bhai bhai, ye bolte Sajid bhai. Hi. How are you spending your time? बस अभी फिलहाल गाना लॉन्च हुआ है तालीम म्यूजिक पे। आपने देखा? आप उसको देखिए। नहीं, मैं वेट कर रही थी तो मैंने देखा नहीं। बाकी तीनों देख लिए। ईद मुबारक बाकी है। तो भाई भाई कैसा लगा? मस्त। ऑफ कोर्स सलमान खान और भाई भाई तो हैड टू बी गुड। उसमें कोई दो डाउट्स ही नहीं है। नहीं, अच्छा है, वो भी गाना अच्छा हो गया। अभी तालीम म्यूजिक पे आप लोग जाइए, सब्सक्राइब कीजिए तालीम म्यूजिक को और देखिए नया ईद का नया गाना मैंने उस पर डाला है और एंजॉय कीजिए। सबसे पहले गो रन अवे। नहीं, आपके आने से पहले मैं ये डिटेल्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ लोगों को कि 4 गाने आए हैं, जाके चेक कर लो और वापस आ जाओ। तालीम म्यूजिक का ये 2nd सॉन्ग है। मैं अपना काम सलमान भाई के लिए कर रहा हूँ और कुछ तालीम के लिए कर रहा हूँ, कुछ SKT के लिए कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ। तो वो तो खैर बड़े लोग हैं भाई। अपना छोटा-मोटा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तालीम म्यूजिक भी बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 साल हो गया आई गेस। अभी आपने 2019 में स्टार्ट किया था, तो एक साल की जर्नी कैसी रही अभी तक? जी, हम लोग को काफी टाइम लगा स्टूडियो बनाते वक्त, काफी वक्त निकल गया। अच्छा स्टूडियो बनाया और तालीम के ऊपर काफी काम कर रहे थे, काफी इक्विपमेंट्स अच्छे लेके आए। जब एक बार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो अब हम सब लोग बोल रहे हैं कि आप लेट हो गए, आप लेट आए, लेट चैनल। बट हम लोग अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना रहे थे, कुछ ऐसी चीज बना रहे थे कि हम लेट आए पर दुरुस्त आएंगे। तो वो मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है और ऊपर वाले का करम है, कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआ है, कृपा है कि वो अच्छा चल रहा है। बस मेरे तालीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ लालच है आपकी, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज़, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप लोग तक पहुँचनी चाहिए। वो आप लोग तक पहुँचनी है आप, क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर फिर लोग बात बोलेंगे और आप लोग तो अभी से आप गाने बनाते रहो और तालीम म्यूजिक को प्यार मिलता जाएगा। आप चिंता मत करो उसका। आपका नाम लाइक साजिद वाजिद इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन म्यूजिक, सो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो हो ही जाएगा खुद से। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, ऑर्डर दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करो अभी। और घंटा है, आप लोग घंटा भी बजाओ। People will do it, don't worry. So, सबसे पहले बात करते हैं तेरे साथ है हम के बारे में। गाने को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी दिन हो गए गाना आए हुए, एंड इट्स अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आप यकीन मानना, जब मैंने लोग बहुत परेशानी देखी और टीवी के ऊपर देखा, मैं बहुत भावुक हो गया। एंड आई रियली डोंट, मतलब इतने पैसे है नहीं कि मैं सबको बांट दूं या दे दूं, बिकॉज ऐसा कुछ चक्कर नहीं। तो मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ रह के। मैं बिल्डिंग के अंदर भी देख रहा था, बाद हमारे यहाँ पर थोड़ा स्लम्स है तो वहाँ पर भी बेचारे गरीब लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। एंड देन काफ़ी मैंने टीवी पे देखा, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिल पे ना कहीं वो बोझ ठहरा हुआ गया। एंड वो एक दिन मैं बैठा और सुबह में बैठ के पता नहीं क्यों रोने लगा। और या आई फेल्ट वेरी बैड कि व्हाट इज हैपनिंग, एंड दुआ मांग रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक जज्बा आया। मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो आज मैं जिस तरीके से पेन फील कर रहा हूँ, अपने परिवार के साथ पेन फील कर रहा हूँ, मेरा भाई मेरे पास नहीं है, मेरी माँ मेरे पास नहीं है, वो लोग कहीं दूर हैं, आई कांट मीट देम, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यू नो। तो अभी ईद में भी हम लोग, मतलब हमारा पूरा परिवार एंड यू नो हमारा फैमिली कैसा है, बहुत जुड़ा हुआ है, तो वो नहीं हो पाया। तो खैर हम लोगों ने अंदरूनी वो जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को तेरे साथ है हम में निकाला। मैंने बोला वी नीड टू होप, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है और उम्मीद को जाने मत देना। चाहे किसी भी न्यूज़ आए, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद मत छोड़ देना। इंशाल्लाह एक ना एक दिन वापस से फिर से हम हर चीज़ हरी भरी होगी, फिर से खुलेगा और फिर से। इसलिए मैंने अपने वीडियोज़ के अंदर भी ना सब फेस्टिवल्स दिखाए। मेरा बहुत उसमें दिमाग लगा कि यू नो ये वक्त टल जाएगा, ये वक्त टल जाएगा। हम लोग, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो 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 देश के प्रति और अपने फेस्टिवल्स, अपने भाईचारा, अपने लोगों के बीच, तो वो मैंने लेके आने की कोशिश करी। और अब अभी जो सेकंड वीडियो आप देखोगे ना, वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब वीडियो के अंदर भी हाँ मतलब दिमाग लगा, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। यू नो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। यू नो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मैं आप लोगों के इतने करीब आ जाऊंगा। वही आई थिंक लॉकडाउन में 4 गाने बना लिए आपने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसमें से इतना प्यारा गाना तेरे साथ है हमने, और फिर इतने सारे आर्टिस्ट आपने सब, मतलब ये सब कैसे किया? सारे इतने सारे आर्टिस्ट उस गाने में कैसे, मतलब ये हुआ कैसे? सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे कलीग्स हैं, हम लोग पता नहीं कितने साथ में काम करते हैं, यू नो। तो सब वो है, और टचवुड मालिक का कर्म है कि वो हमारी इज्जत करते हैं और हमसे प्यार करते हैं, तो वो हमारा कहना कैसे टाल देंगे, और हम कोई गलत चीज करेंगे नहीं उनके साथ। तो आज उनकी पूरी फैमिली भी खुश है, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा निकल के आएगा, मगर वो ऐसा निकल के आया बहुत। तो एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, इट्स अ गुड फीलिंग। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इतनी सारी बुरी खबरें आ चुकी हैं, इतनी सारी बुरी खबरों ने डेरा डाल लिया है ना, कि हवाओं के अंदर भी, सांस में भी महसूस होने लगा था वो। तो हमने सोचा, मैंने क्या सोचा, मैं घड़ी घड़ी मैंने बोलता आई एम सॉरी फॉर दैट, यू नो। आप लोगों ने सोचा, आप लोगों की वजह से, कि ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल के आनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे में हिम्मत दे, एक हिम्मत जुटाने की मेहनत, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम है। और ये 100 साल तक के हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं कभी ऐसा वक्त बताया था। तो मेरे ख्याल से वी आर लिविंग इन हिस्ट्री। ये वक्त ये कभी भूला नहीं जाएगा, ये हिस्ट्री बन चुका है ये वक्त। तो इस वक्त के अंदर हमने क्या किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, हमने इस वक्त के अंदर हमारे लोगों के लिए क्या किया, तो दैट इज वेरी। और कुछ लोग हैं, मैं तो उन सिटीजन्स का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जैसे कि ये है, ये इंसान बहुत ही अच्छे इंसान है, इनका नाम है मनोज पुनमिया, यू नो। आई मेट दिस गाय, आई वाज, मैं वाजिद को हॉस्पिटल मिलने के लिए जा रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा एक आदमी, अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी थी, अच्छे घर का था, मगर वो गरीबों को इस तरीके से खाना बंटवा रहा था। एंड देन आई वेंट एंड केम बैक, वो तभी भी भिजवा रहा था। मैं गाड़ी रोक के मैंने उसकी वीडियो भी ली, उसकी मैंने बोला, मैंने उसकी वीडियो, और वो सब वीडियोज मेरे गाने में डालता हूँ, क्योंकि दैट इज द फैंटास्टिक जेस्चर। जो आदमी इतने लोगों को फीड कर रहा है, डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा, मगर फिर भी वो अपनी जिंदगी को नहीं गुजरा। इसलिए मनोज पुनमिया साहब, हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू, नमस्ते, और बहुत अच्छा काम किया आपने। वाओ, इतना ब्यूटीफुल थॉट है इस गाने के पीछे। और सेकंड गाना ईद मुबारक भी अभी आ गया है, आधा घंटा होने वाला है, तो कितना एक्साइटेड है, आपकी रिस्पॉन्स कैसा होगा, कैसा रिस्पॉन्स आया है अभी तक? देखो अभी क्या चक्कर है, अभी भाई भाई गाना है अपना, हाँ। भाई भाई ने एक यूनिटी का इंजेक्शन मार दिया, यू नो। बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम, तू मैं मेरा तेरा, ये सब बहुत हमारे वतन हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने ये बात बताई कि यू नो वी ऑल आर वन, दिस वन इज ऑल, ऑल इज वन। तो अगर नाउ इज द टाइम दैट वी नो ऑल दिस थिंग, यू नो। अगर हम लोग इस चीज पे बिलीव करें और अच्छे से चलें, तो मेरे ख्याल से जो अंदरूनी खुशियां हैं, जो टेंशन है, यही दूर हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, अरे ये कोई बीमारी ऐसी थोड़ी है जो जिसकी शक्ल आती है, जो रिक्शा में आती है या साइकिल पे चला के आती है, ये तो मिस्टर इंडिया है। पता ही नहीं, तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारा जो सबसे रफीक है, तुम्हारा सबसे जो ईमानदार आदमी है, वो ही शायद तुमको लगा दे, या कोई तुम किसी को लगा दो। तो यू नेवर नो, तो किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप को ख्याल रखो, अपने आप का ख्याल रखो, और ये सब चीजों में मत पड़ो, अफवाहों में मत पड़ो। अपने आप का सबसे पहले ख्याल रखो, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का ख्याल रखो। और ये वक्त ऐसा है जो जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे, तो इस वक्त को जाया नहीं करना टीवी देख के या वो देख के। इस वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा, अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, कहीं ना कहीं अपने आप को क्लीन करो, अपनी फीलिंग्स को ठीक करो, अपने माँ बाप को, तुम्हारी सारी सक्सेस तुम्हारे माँ बाप के, भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए होती है। और फील होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला नाराज है, उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए, उसने सबको बोल दिया गेट आउट, यू नो। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओ, यू नो। आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना हो गया था कि बच्चे सांस नहीं ले पाते थे। अगर कोई मर जाते तो, अगर वो पोल्यूशन नीचे उतर आता तो ये वायरस तो कुछ भी नहीं है जितना उधर था। तो तुम लोग कौन सा पैसा कमाना चाहते हो, कौन सी तरक्की करना चाहते हो, कि तुम जिंदा ही रहना तुम्हारे भूल गए। तो मेरे ख्याल से ठंड पे थोड़ा ठंड पाओ, और अपने घर को जाओ, रोटी शोटी खाओ, और अपनी बीवी और बच्चों के साथ थोड़ा भांगड़ा पाओ। तो मेरे ख्याल से हाँ, डू दैट। और मेरा ईद का गाना जरूर सुनिए, इस पे तालीम म्यूजिक को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आप भी मेरी मदद कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मिलियन हिट 2 मिलियन हिट है ना, ये डाल देते हैं, ये कर देते हैं, इतने पैसे दे दो उतने, मगर आई बिलीव कि मैं उन पैसों से अपने म्यूजिशियंस, अपने अच्छी क्वालिटी के गाने बनाऊँ और मैं इस चीज़ का ख्याल नहीं करूँ। मुझे मालूम है आप लोग सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और आप सब लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है साजिद वाजिद को, हम दोनों भाइयों को आप लोगों ने इतना प्यार किया है, तो इस बार भी आप हमारा तालीम चैनल है तो इसको भी प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटा भी बजा दीजिए। और क्या बोलूं आपसे, बस आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी, मुझे भी नहीं पता मैं आपसे क्या पूछूं अभी, बट मैं ये पूछती हूँ कि आपने बोला आप अपने भाई से दूर, अपने फैमिली से दूर हो, तो आपने ईद कैसे स्पेंड किया? अभी ईद तो मैं काम कर रहा था, ये सब कोर्स मैंने अपने घर में नमाज पढ़ी और घर ही के अंदर हमने अपने घर में जितने लोग हैं हम उतनों में बना लिया और फिर दिन भर में अपने काम पे लग गया। मतलब मुझे काफी लोगों के फोन आए मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था किसी से बात करने को, आई वॉज नॉट फीलिंग बिकॉज मोस्ट थोड़ा सा मैं रोया भी ईद के दिन बिकॉज आई वॉज मिसिंग माई ब्रदर, आई वॉज मिसिंग माई मदर एंड, मगर क्या कर सकते हैं, हकीकत जो है वो हकीकत तो फेस करनी पड़ेगी। You have to fight, you have to overcome your... तो सलमान सर के साथ दो गाने हैं, प्यार करो ना और भाई भाई, दोनों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ, वो मतलब ये आइडिया कैसे आया, किसने किसको अप्रोच किया, कैसे पूरा गाने कैसे बने? गॉड ब्लेस यू। अच्छा ये डिजीज का नाम भी क्या है ना, कोरोना। हाँ प्ले ऑन वर्ड एकदम, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, एक नंबर की कमी नहीं डिजीज है। नाम ही ऐसा लिखा है कि करो ना, अरे कुछ काम करो ना, ये करो ना, रोजमर्रा की जो जिंदगी की हमारी जो बातचीत है उसके अंदर वो एक शब्द आ गया, बताया फोन करो ना, प्यार करो ना, ये करो ना, अरे वाह रे वाह, अभी दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज देखना पड़ेगा। बट हम इंसान ऐसे हैं कि हम दुनिया के हर कोने में हर कंडीशन में जीना जानते हैं, हम इस चीज़ को भी जी लेंगे और कहीं ना कहीं मालिक हम पे जो नाराज़ है, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हमको मिल के भाव डाउन करना चाहिए, सुकून में आ जाना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि हम ये क्या मिस्टेक कर रहे थे। आई थिंक वो सिर्फ वेट कर रहा है कि जैसे ही हम लोग सुधरेंगे वो फौरन हमारे बीच में आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप, एक काफी पॉजिटिव थॉट है आपके, व्हिच इज सो गुड, जो भी देख रहा है उनको भी अच्छा फील हो रहा है। बट अ लॉट ऑफ पीपल हिंदू मुस्लिम बाय बाय क्या बोलते मियाँ बाय, हिंदू मुस्लिम बाय बाय क्या बोलते, हिंदू बाय, हिंदू मुस्लिम बाय बाय क्या बोलते, नेता बाय, हिंदू मुस्लिम बाय बाय, यही बोलते साजिद बाय। कितनी एनर्जेटिक लिरिक्स सब, इट्स अ वेरी गुड कोलैबोरेशन। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस टॉक। नहीं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अब आप लोगों के सामने डायरेक्ट घर में बैठ के मिल सकता हूँ, पहले स्टूडियो जाना पड़ता था, ये करना पड़ता था। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू नो, ये टेक्नोलॉजी को। और मैं बहुत जल्दी है ना एक छोटा सा स्टूडियो अपने घर में भी बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं ऐसे टीवी सब लगाऊंगा तो मैं आप लोग सब लोग के साथ लाइव हो सकता हूँ, बड़ा मजा आएगा। बनाऊंगा और आप लोग लाइव इंटरव्यू भी ले रहे हो और मैं लाइव म्यूजिक बना रहा हूँ और लाइव म्यूजिक बन रहा है, उसको लाइव कर रहे हैं। विल हैव लॉट ऑफ फन, यू नो। या इट कैन बी अ रियली गुड सेशन एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट। आई होप आप जल्दी ये करो और फिर जल्दी से बॉक्स ऑफिस को बताओ, बॉक्स ऑफिस में आपका लाइव ले फिर से। बॉक्स ऑफिस बस मेरा ध्यान रखो, मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब करवा दो, थोड़ी सी अपनी एनर्जी डाल दो मुझ पे। ये हमने पोस्ट कर दिया आपके लिए, आप चिंता मत करो। एंड आपको जरूरत नहीं है, पता है आपको जरूरत नहीं है, आप बस 1-2 गाने और निकालते जाओ, फेमस होते जाओ, आपका बढ़ता जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप। देखिए मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्या होता है खाना सब अपने घर में खाते हैं मगर दावत का बड़ा बड़ा मजा आता है। हाँ। तो मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ हाथ जोड़ के। मुझे मालूम है मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरा नाम बहुत है, मैंने बहुत सारा काम किया है, मगर मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज आइए, मजा आएगा। सब आएंगे, सब आएंगे। मैं आपके फैंस को बोलूंगी जो भी लाइव देख रहे हैं वो एक क्वेश्चन दो, कुछ रिक्वेस्ट हो तो वो डाल दें अभी। और मैं एक छोटा सा गेम खेलूँ आपके साथ, बहुत ही ईजी है, मैं कुछ सिचुएशन दूंगी और आपको बताना है कि आप में से और आपके भाई में से कौन ये चीज कर सकता है मोस्टली, ठीक है? तो पहला है पहला नशा, पहला खुमार। वाह, अब गाना गा रही हूँ, वाह। अच्छा चलो गेम खेलते ओके तो who is most likely to forget birthdays and anniversaries आप हमेशा मारा था। अब तो मेरे बच्चे और मेरे मतलब घर वाले लोग भी है ना ये जानते हैं कि ये ऐसा है और मेरी जो है ना वो ये सब चीजों का बड़ा वेट करती है। मतलब एनिवर्सरी का 12 महीने वाले ना वो किसी बहाने से जागती रहेगी, ये चेक करती रहेगी ये बोलेगा। मगर अब मेरे इतने सारे जासूस है, सुरंग जासूस खेलने डाल दिए कि सब मुझे पहले से ही बता देते कि डैडी आ रहा है डैडी आ रहा है सही स्टार्ट तो मैं बहुत बड़ा बुलाकर हुआ कोई नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है लाफ एट द रॉन्ग मोमेंट। लाफ एट द रॉन्ग मोमेंट मेरी वाइफ है। कोई गिर जाता है या स्लिप मारता ना उसको हंसी आती है बहुत और बाद में सॉरी बोलेगी। किसी का भी कुछ अगर जैसे कुछ ऐसा रहता है तो वो हंस देती है, उसको हंसी छूट जाती है फिर बाद में प्लीज डोंट माइंड आई एम नॉट लाफिंग एट यू हंसी आ गई। तो वो एक ऐसी है उसकी वजह से भी 2-3 जगह पे मैं भी एम्बैरस हो गया, वो हंस देती है। ओके बी अ फ्लर्ट। फ्लर्ट कौन करेगा ज्यादा मेरे और वाजिद में से? हाँ वो थक जाएगा तो मैं कर लूंगा, मैं थक जाऊंगा तो वो कर लेगा। सही आंसर है, वेरी नाइस आंसर। मतलब म्यूजिक में भी साथ फ्लर्टिंग में भी साथ वेरी गुड। देखो फ्लर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लर्ट को गलत वर्ड में लेके जाओ। फ्लर्ट का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंस फील कराना, किसी को इम्पोर्टेंस फील कराना। हाँ ओके एक्सीडेंटली किल समवन। किल हाँ गलती से। नहीं भाई ये सवाल का जवाब ही नहीं देना मेरे ठीक है नेक्स्ट वाले में मूव ऑन करते हैं। स्पेंड देयर मनी ऑन समथिंग वेरी यूजलेस। स्पेंड द मनी समथिंग ऑन वेरी यूजलेस माय मदर। मैंने क्या ऐसा यूजलेस चीज ली है? अरे बाप रे वो पता नहीं कहाँ जाती है। वो उनको शॉपोहॉलिक का प्रॉब्लम है पता है, वो उनको शॉपिंग करना चाहिए। हाँ और ये चीज मेरे दादा में भी थी पता है, बस पैसे रहना चाहिए। वो आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेंड करेंगी वो मम्मी, और उनका तो हाईलाइट है बाप रे। मेरी मम्मी को तो पूरे दुकानदार जानते हैं। अरे आ गई और नॉर्मल से कपड़े पहन के छोटी सी ऐसी गुट्टी करके घुसेगी, मगर दुकान वाले लोग देखते साथ है ना मम्मी के लिए ना कस्टमर साइड का बोले आई भाई ये माल लेके आई। तो मेरी मम्मी बहुत करती है। और बाद में फिर क्या करेंगी, उनका शौक ये है कि दुनिया भर का सामान जो उनको पसंद है लेके आती है। फिर उनसे कोई मिलने आता है तो किसी की बच्ची को कुछ दे देंगी, किसी को कुछ दे देंगी, तो ऐसे करती रहती है। तो ये उनका शौक है और हमको ये शौक उनका अच्छा लगता है, तो हम उनको अपनी कमाई में से देते रहते हैं कि शौक पूरा करती रहे। वाओ। ताहिर रोनाल्डो ने बोला है न्यू सॉन्ग इज जस्ट, और फिर हार्ट वाला इमोजी बनाया आपके लिए। थैंक यू ताहिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर। और ये क्लास में मिस्टर इनोसेंट है। अरे ये क्या हो सकता है, मिस्टर इनोसेंट कैसा नाम है? अरे आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अजीब अजीब नाम मिलेंगे, बहुत यूनिक नाम मिलेंगे। इंस्टाग्राम तो अलग दुनिया है यार। मैं कभी इस पे आने की कभी कोशिश नहीं करी, हमको दिन रात मेहनत करते रहते स्टूडियो के अंदर, मगर बहुत मजा आ रहा है पता है कहीं ना कहीं। हाँ ये लोग पाओ के साथ डायरेक्ट होने का जो मजा है ना ये बहुत बढ़िया है। आई एम एंजॉयिंग इट। एंड मैं एक बात और जैसे कि बताऊँ एंजॉय करने का, तालीम म्यूजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हो और आप में है वो पैशन है कि आप कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बना हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए बनाया ताकि ये प्लेटफॉर्म आपके घर आपके फ़ोन तक पहुंच जाए, जहां पर से आप कुछ भी चीज़ उसमें अच्छी म्यूज़िक आप लोड करिए एंड हमको जो लगेगा तो हम डेफिनेटली आपको पिन पॉइंट करेंगे और आपके साथ कुछ ना कुछ करेंगे। और इस तालीम चैनल के ऊपर बहुत सारे न्यू कमर्स को भी लॉन्च करने का प्लान है हमारा। ज़रूरी नहीं है कि हम ही लोग इस पर म्यूज़िक करते रहें, हम इस पर अच्छा म्यूज़िक भी करेंगे और बहुत इंस्ट्रूमेंटल। आई थिंक इट्स गोना बी फन। तालीम चैनल तालीम म्यूजिक तालीम का मतलब क्या होता है वैसे? व्हाट डज दैट? तालीम का मतलब होता है लेसंस। ओह वाओ दबक नाइस। मितिन ने कोई क्वेश्चन पूछा। हां तालीम का स्लोगन है सीखो सिखाओ और गुनगुनाओ। Wow, nice, very good. खेलते खेलते एजुकेशन देता हूँ। हाँ, वो बेस्ट करते करते अरे हम थे वो थे और समान रंगीन समझ गए ना पारा 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 जाते थे जापान और गए चीन समझ गए ना पारा अरे याने 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 क्या ओ गया ओ मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या अब ये मजाक है ना दिस इज गेम मगर सुपर हिट गाना है टैलेंट है आई एम गोना इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल विद दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज जो हमारे अंदर होती है वो आप एंजॉय कीजिए बहुत सारी लाइव वीडियोस करना है ऐसे ही और बात करते रहो एंड सबको खुद ही मन करे गाने का बहुत जरूरी बहुत मजा आया आपसे बात करने का और जब भी आपका दिल करे आप मुझे फोन कर सकती हैं मैं जी जरूर और मैं अभी आपसे पूछूंगी और फिर आपको जाने दूंगी एक दो क्वेश्चन ले रही हूँ बिकॉज लोग बहुत मतलब क्वेश्चन नहीं है बस लोग प्यार दे रहे हैं आपको सोहेल ने बोला है वी लव यू भाई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आमिर ने बोला है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम थैंक यू वेरी मच और आ रहा है बॉक्स ऑफिस थैंक यू बॉक्स ऑफिस सर रूहान को चांस आप बिगड़िए रूहान को चांस 100% रूहान मेरा छोटा भाई है मैं उसका टेंशन मत लेती और होल टीम गुड मैसेज फ्रॉम द सोसाइटी थैंक यू वो तो अपनी आदत है अस्सलाम वालेकुम तो बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम और कौन है सवाल जल्दी जल्दी टाइम नहीं आप ताई ने बोला है हैदराबाद पीपल लव द सॉन्ग ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू एंड होल टीम अ गुड मैसेज फ्रॉम टू आवर सोसाइटी थैंक यू वेरी मच हैदराबाद को बोलना अगर आपको ये गाना पसंद आया तो प्लीज जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँ मेरे को बिरयानी जरूर खिला देना मैं बिरयानी का बहुत तगड़ा भूखा हूँ एंड आई लव हैदराबाद मैं लखनऊ से हूँ मुझे हैदराबाद की बिरयानी उतनी अच्छी नहीं लगती पता है आपने लखनऊ की बिरयानी खाई है अरे मैं तो लखनऊ भी बहुत गया हूँ हर जगह गया हूँ मेरा पूरा देश और सारे देश के प्रांत और सारे कल्चर्स बहुत पसंद है और मैं हर जगह जाता हूँ मैं गोल्डन टेम्पल भी जाता हूँ मैं वहाँ पर अपना ओम नारायणी टेम्पल वेलोर के अंदर है साउथ में मैं वहाँ भी जाता हूँ और मैं कहीं कहीं जाते रहता हूँ मैं काम में बहुत भटकता हूँ यार मेरे को बड़ा मजा आता है अच्छा ये लास्ट है आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करें राधे के म्यूजिक के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे राधे की म्यूजिक की कैश होगी बहुत माइंड ब्लोइंग है और कुछ गाने बने हुए हैं मगर लेट मी टेल यू वन थिंग अभी हमारे को जो इतना टाइम मिला है तो इस पर मैंने और कुछ डिफरेंट माइंड ब्लोइंग म्यूजिक बना के रखा है जो कि जब ये खुलेगा और सलमान में हम साथ में होंगे तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे और राधे के म्यूजिक के लिए आपको सुपर हिट ट्रैक्स देंगे नाइस तो आपकी लास्ट एक मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहोगे जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया आपको इतना सारा प्यार दिया उनको क्या कहना चाहेंगे आप मैं हूँ जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया मैं उनको ये कहना चाहूंगा मैं थक गया हूँ अभी जाओ अपने अपने घर जाओ और तालीम म्यूजिक ऑन करो और ईद की कवाली सुनो और देखो कैसा लगा आपको प्लीज लेट मी नो कैसा लगा एंड आई लव यू ऑल मैं फिर मिलता रहूंगा जब आप लोग याद करेंगे मैं आपके पास जी थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो थैंक यू Eid Mubarak to everyone. Eid Mubarak. Bye bye. Bye bye. Sorry, Mithun, I couldn't see your question, तो मैं वो पूछ नहीं पाई. But next live में जो भी question होगा, मैं सबसे पहले तुम्हारा question लूँगी. मैं हमेशा तुम्हारा question पहले लेती हूँ. So anyway, guys, that was Sajid for you, and I hope you liked this session. I hope. You got to know all about everything that you wanted to know, especially Radhe, and do go follow his studios, Facebook page, Instagram page, and take care of yourselves. Thank you for joining this live. Keep coming back for other lives as well, and take care. Bye bye.